हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। आज आपके लिए मैं एक कम सीसी की बाइक लेके आया हूँ, बट दिखने में भाई एक नंबर है। ये है क्यूजे मोटर्स की RX 125। सो ये है बाइक, कुछ ऐसे दिखती है आपको। मैं चारों तरफ से घूम के दिखा देता हूँ। थोड़ा सा शोरगुल यहाँ पे हो रहा है बिकॉज इवेंट वगैरह चल रहा है, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ सकता है। तो ये है क्यूजे मोटर्स की RX 125। एंड इसमें आपको क्या क्या मिलता है मैं आपको बता देता हूँ। तो LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया है, एंड डिजाइन जो है भाई काफी अच्छा दिखता है, शार्प डिजाइन है। जितने भी लाइट 6 के ऊपर है वो सबके सब LEDs है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो इंडिकेटर वगैरह है वो भी LED दिए गए हैं। सामने आपको USD अपसाइड डाउन फॉक्स दिया गया है। एंड व्हील की बात करें तो आपको 100 सेक्शन की जो व्हील है वो मिलती है सामने, एंड 17 इंच का ये टायर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। एंड ऑरेंज कलर की यहाँ पे आपको एलॉय व्हील दी गई है। USD अपसाइड डाउन फॉक्स मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर दिया गया है। इसमें आपको सामने जो डिस्क ब्रेक मिलता है वो उसके साथ ABS आपको नहीं मिलता है। इसमें आपको CBS मिलता है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। सामने भी आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, एंड पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्यूजे मोटर का नाम लिखा गया है। 13.5 लीटर का इसका पेट्रोल टैंक है, एंड पेट्रोल टैंक के दोनों ही तरफ आपको ये स्टिकर्स ऐसे और डेकल्स दिए गए हैं। दिखने में यहाँ से बाइक काफ़ी मस्कुलर दिखती है। ओवरऑल जो लुक है बाइक का वो काफ़ी स्पोर्टी है, एंड स्पोर्टी लुक के साथ ये जो सीट है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। वैसे भी अगर ये लुक के साथ सिंगल सीट देते तो मज़ा नहीं आता, तो यहाँ पर आपको स्प्लिट सीट मिलती है। राइडर की सीट थोड़ी सी नीचे है। वैसे सीट हाइट की बात करें तो 780 mm की इसकी सीट की हाइट है, एंड इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना भाई बहुत ज़्यादा है। 190 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, जो आजकल एडवेंचर या जो स्क्रैम्बलर बाइक्स होती है उनका होता है। वेट है बाइक का वो ऑलमोस्ट 142 किलो है, जो मेरे हिसाब से एक 125cc बाइक से अगर दूसरी बाइक से मैं कंपेयर करूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा है। पतला सा थोड़ा सा एग्जॉस्ट यहाँ पे आपको दिया गया है। पीछे अगर आप देखेंगे इसका टायर, ये 130x70 इंच का ट्यूबलेस टायर दिया गया है। पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, हालांकि इसमें आपको ABS वगैरह नहीं मिलता है। पीछे अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो टेल लाइट है वो आपको LED दी गई है। ग्रैब रेल है वो भी आपको ऑरेंज कलर में दिए गए हैं, मतलब बॉडी कलर से मैच करते हुए नहीं दिए गए हैं, बट दिखने में भाई काफ़ी फंकी बाइक दिखती है। पीछे आप अपनी नंबर प्लेट लगा सकते हैं, क्यूजे मोटर्स का भी प्लेट यहाँ पे लगा हुआ है। एंड ओपन चेन इसकी यहाँ पे दी गई है। साइड स्टैंड भी मिलता है, मिडिल स्टैंड दिया गया है। 5-speed गियरबॉक्स इसमें आपको मिलता है। 5 गियर मिलते हैं भाई इसमें 125cc की बाइक में। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो इसका चेसी है, फ्रेम है, ये भी एक्सपोज्ड है, बट मेरे हिसाब से अगर ये फ्रेम का कलर ऑरेंज होता ना तो भाई और ज़बरदस्त ये बाइक दिख सकती थी। सिस्टम कंट्रोल यहाँ पे आपको डिजिटल मिलता है, बट यहाँ पे की नहीं है, तो आज बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं देख सकते हैं, तो आई थिंक उसकी वजह से इन्होंने की यहाँ से निकाल ली है। बाकी जो हैंडल बार है वो एकदम से फ्लैट आउट है, मतलब आपकी तरफ है, राइडर की तरफ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको हाई बीम लो बीम पास का स्विच दिया गया है, हॉर्न का स्विच दिया गया है। राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको इंजन किल स्विच, एंड इसमें आपको हैजार्ड लाइट का स्विच भी मिलता है, एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टार्ट का स्विच दिया गया है, बट देर इज नो किक स्टार्ट इन दिस। इसका प्राइस जो है ना अभी अनाउंस नहीं हुआ है, एंड जब भी ये शोरूम में आ जाएगा फिर प्रॉपर इसका लॉन्च हो जाएगा, वो टाइम पे आपको मैं प्राइस भी बता दूंगा। एंड इसका अगर आपको ज़्यादा स्पेसिफिकेशन पढ़ना है तो यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है, आपको ये बाइक कैसी लगी, एंड भाई कौन सी बाइक से इसका मुकाबला हो सकता है अगर ये इंडियन मार्केट में आई तो आप मुझे ज़रूर बताएं। वैसे आपको बता दूं यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं ना सबसे ज़्यादा यही बाइक को देख रहे हैं, एंड दिखने में काफ़ी ज़बरदस्त दिखती है भाई। स्पोर्टी नेचर तो दिखता ही दिखता है, स्पेशली जो व्हील्स का कलर है ना उसकी वजह से मस्त दिखती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।